गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जैनब अख्तर, लेक्चरर मैकेनिकल जीपीसी 12। इस लेक्चर में डिजाइन ऑफ कास्ट आयरन पुली पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, जो बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME308 मशीन डिजाइन की यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमें कास्ट आयरन पुली दी हुई है। इस कास्ट आयरन पुली से 20 kW पावर ट्रांसमिट हो रही है 300 RPM पर। इसके अतिरिक्त हमें दे रखा है, पुली का डायमीटर हमारा है 550 mm, और ये जो पुली हमने यूज में ली है इसमें 4 स्ट्रेट आर्म्स लगी हुई हैं, जिनका क्रॉस सेक्शन है एलिप्टिकल टाइप का। जैसा कि हम जानते हैं, एलिप्टिकल टाइप का जब हमारा क्रॉस सेक्शन होता है आर्म का, तो हमारी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की दुगनी होती है। इसके अतिरिक्त हमें दिया हुआ है कि हमारी जो आर्म्स हैं इनके ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है, तो अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस का मान हमें दिया हुआ है 15 MPa। और हमें सवाल में पूछा गया है आर्म की डायमेंशंस। तो आर्म की डायमेंशंस निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा पावर है 20 kW, वर्ड्स में कन्वर्ट करने पर 20 × 10³ वर्ड्स। इसी तरह से आरपीएम में दिए हुए हैं 300 RPM। डायमीटर हमें पुली का दिया हुआ है 550 mm। नंबर ऑफ आर्म्स हमें दे रखी है N=4, और अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू में दे रखी है 15 MPa, जो हमारी इक्वल है 15 N/mm² 1 N/mm² = 15 MPa। तो यहाँ पर आर्म की डायमेंशंस हमें निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है मेजर एक्सिस A1 की वैल्यू और माइनर एक्सिस B1 की वैल्यू। तो हम किसी तरह से या तो B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा A1 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ B1, या हम B1 का मान निकाल लेते हैं और उसकी बेसिस पर हम A1 निकाल लेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो होती है हमारी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शनल मॉडुलस। यानी अगर हम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शनल और सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू निकाल लें, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू के बिहाफ पे हम निकाल सकते हैं यहाँ पर हमारी आर्म की डायमेंशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट हमारा होता है 2T/N। तो ये जो वैल्यू है 2T/N, यहाँ पर T है हमारा टॉर्क, N है हमारी नंबर ऑफ आर्म्स। तो टॉर्क की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टॉर्क की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P × 60/2πN। तो यहाँ पर हम टॉर्क की वैल्यू निकाल लें, तो उसकी बेसिस पर हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू हमारी होगी, पावर की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पावर हमें दिया हुआ है 20 kW। तो 20 × 10³ × 60/2πN, N हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ RPM 300। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगी 636 Nm। तो इस टॉर्क की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं बेंडिंग मोमेंट के मान में। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 × 636 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्म्स हमारी है 4, तो हमें मिलेगा बेंडिंग मोमेंट का मान 318 Nm। तो न्यूटन मीटर में वैल्यू हमारी आई है, तो इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 318 × 10³ N/mm। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्शनल मॉडुलस z के मान को। तो z हमारा क्या आता है, जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया, π/32 × B1 × A1² तो यहाँ पर हम हमारे पास में, जैसे हम जानते हैं हमारा A1 होता है ट्वाइस ऑफ B1 के इक्वलेंट, तो हम यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ B1। तो हमारी जो ये वैल्यूज आएंगी, ये पूरी ये टर्म किस में आएगी, हमारी B1 की टर्म में आएगी। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा π × B1³ / 8। इसके बाद जो हमने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट की बेंडिंग मोमेंट की और सेक्शनल मॉडुलस की, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में। तो हमारा यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 318 × 10³ × 8 π × B1³। तो ये वैल्यू हमारी होगी 810 × 10³ × B1³। तो B1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आएगी यहाँ से, ये हमें मिलेगी 37.8 mm। और इसी प्रकार से हम
a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ b1 के बेसिस पर, तो ये हमारी होगी 2 मल्टीप्लाई विथ 37.8, तो हमें मिलेगा फाइनली 75.6 mm. तो इस तरह से हमें हमारी आर्म की यहाँ पर डायमेंशंस मिल गई हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी क्रम में हम कास्ट आयरन पुली की डिजाइन पर बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। हमें यहाँ पर पुली का डायमीटर दिया हुआ है 0.9 मीटर, पुली के आरपीएम दिए हुए हैं 200 आरपीएम, और पुली द्वारा जो पावर ट्रांसमिट हो रही है इसकी वैल्यू में दे रखी है 7.5 किलोवाट। हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो पुली के ऊपर हमारी बेल्ट लगी हुई है इसकी विड्थ क्या होगी। इसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है बेल्ट के ऊपर हर 10 mm विड्थ के लिए मैक्सिमम टेंशन का मान 145 न्यूटन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो पर mm विड्थ के लिए हम ये मान मान सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम टेंशन 14.5 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सवाल में दिया हुआ है बेल्ट की टाई साइड पे टेंशन स्लैक साइड की टेंशन की दुगनी है। हमें यहाँ पर सवाल में कैलकुलेट करना है शाफ्ट का डायमीटर और पुली के वेरियस पार्ट्स की डायमेंशंस। इसके लिए हमें दे रखा है पुली में 6 आर्म्स लगी हुई हैं और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान हमें दे रखा है 63 मेगा पास्कल। तो हमें यहाँ पे जो पैरामीटर्स दे रखे हैं इनको हम लिख लेते हैं। हमें डायमीटर दे रखा है 0.9 मीटर, आरपीएम एन की वैल्यू में दे रखी है 200 आरपीएम, पावर हमें दे रखी है 7.5 किलोवाट, जिसको हम वाट्स में लिख लेते हैं 7500 वाट्स। इसके अतिरिक्त हमें दे रखा है टेंशन, हमें दे रखा है T1 का मान हमें दे रखा है टाइट साइड पर, ये दुगनी है हमारी स्लैक साइड से, तो T1 इज इक्वलन टू हमारा है ट्वाइस ऑफ T2। इसके अतिरिक्त हमें दे रखा है हर 10 mm विड्थ के लिए हमारी बेल्ट में लगने वाली टेंशन का मान 145 न्यूटन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं टी बराबर हमारा है 145 न्यूटन इन 10 mm। इसके अतिरिक्त हमें दे रखा है शेयर स्ट्रेस का मान 63 मेगा पास्कल, इसको हम इक्वल लिख लेते हैं 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो क्योंकि हमसे यहाँ पर सबसे पहला हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है हमें बेल्ट की विड्थ निकालनी है, तो बेल्ट की विड्थ निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं बेल्ट में लगने वाली मैक्सिमम टेंशन का मान, यानी हम निकाल लेते हैं टाइट साइड पे कितना टेंशन लग रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइट साइड पे लगने वाली टेंशन का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पावर ट्रांसमिशन का। तो पावर ट्रांसमिशन जैसा हमारा होता है इक्वल T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई विद V। यहाँ पर T1 हमारा है टेंशन टाइट साइड में, T2 हमारा है टेंशन जो स्लैक साइड में लग रही है, और V हमारा है वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो ये फार्मूला हमारे स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ मशीन की क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं पावर की, तो पावर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7500। तो ये वैल्यू हमने पुट करी। इसके बाद में हमें वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं पाई डी एन बाय 60 से। तो जैसे कि हमें डायमीटर दे रखा है पुली का, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं डायमीटर की, ये होगी हमारी 0.9, और हमारे आरपीएम दे रखे हैं 200। तो हमें वेलोसिटी का मान कितना मिलेगा, वेलोसिटी हमें मिलेगी 9.426 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है हमारी जो टेंशन है T1 वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ T2 के, तो यहाँ पर हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हमें मिलेगी 796 न्यूटन। तो हम T1 का मान यहाँ पर रख देते हैं ट्वाइस ऑफ T2 के इक्वल, तो हमें मिलेगा फाइनली T2 का मान 796 न्यूटन, और T1 का मान हमें मिलेगा यहाँ पर 1592 न्यूटन। तो ये हमारे T1 और T2 की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास में टाइट साइड पे टेंशन आ गई बेल्ट की और स्लैक साइड पे टेंशन हमें मिल गई। तो अब इनके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर विड्थ ऑफ दी बेल्ट। तो जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है हमारी मैक्सिमम टेंशन एवरी 10 mm विड्थ के लिए 145 न्यूटन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें हर mm विड्थ की अगर हम बात करें तो हमारी टेंशन 14.5 न्यूटन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हमारी हर mm पर मैक्सिमम टेंशन का मान है 145, और हमारी जो टोटल मैक्सिमम टेंशन जो हमारी बेल्ट में लग रही है उसकी वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की है T1, ये हमारा है 1592।
तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ द बेल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन को पर एमएम पे लगने वाली टेंशन से, तो ये बी हमारा इक्वलेंट किसके हो जाएगा, बी हमारा विड्थ ऑफ द बेल्ट, ये हमारा इक्वल हो जाएगा टी वन अपॉन 14.5। तो टी वन का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारा होगा 1592 डिवाइडेड बाय 14.5। तो हमें विड्थ ऑफ द बेल्ट कितनी मिलेगी, फाइनली हमें विड्थ ऑफ द बेल्ट मिलेगी 109.8 mm। तो जैसा कि हमने कास्ट आयरन पुली की डिज़ाइन की थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, हमारी जो बेल्ट की विड्थ थी उनमें हमने स्टैंडर्ड विड्थ हमने देखी थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 109.8 के नियरेस्ट विड्थ क्या होगी, तो ये लगभग हमें मिलेगी 112 mm। तो इसी क्रम में हम निकाल लेते हैं अब शाफ के डायमीटर को। तो सवाल में हमसे शाफ का डायमीटर पूछा गया, हम जानते हैं कि हमारा शाफ के डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं शाफ्ट से होने वाले टॉर्क ट्रांसमिशन के बेसिस पे। तो जैसा कि हम शाफ्ट की थ्योरी क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं, टॉर्क ट्रांसमिशन हमारा होता है पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू डी का क्यूब। शियर स्ट्रेस का मान हमें दे रखा है टॉ का सवाल में, ये हमारा दे रखा है हमें 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें टॉर्क की वैल्यू जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है पी इंटू 60 अपॉन 2 πn। तो हम यहाँ पे पावर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होगा हमारा 7500 मल्टीप्लाई विद 60 डिवाइडेड बाय 2 πn, n की वैल्यू हमें दे रखी 200। तो हमें फाइनली टॉर्क का मान क्या मिलेगा, टॉर्क हमें मिलेगा 358 न्यूटन मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम mm में, तो हमें मिलेगा 358000 न्यूटन mm। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं टॉर्क ट्रांसमिशन की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें शाफ्ट के लिए टॉर्क ट्रांसमिशन की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा 358000 इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू डी का क्यूब। टॉर्क की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें फाइनली यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू मिलेगी 30.67। तो जैसा कि हमने अपने शाफ्ट की थ्योरी में डिस्कस किया था, हमें शाफ्ट का स्टैंडर्ड डायमीटर लेना होगा, तो हमारा 30.67 के नियरेस्ट स्टैंडर्ड डायमीटर हमें मिलेगा 35 mm। तो ये हो गया हमारा शाफ्ट का डायमीटर 35 mm। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुली के वेरियस पार्ट्स की डायमेंशन की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए पुली की विड्थ और थिकनेस। तो जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया, पुली की जो विड्थ होती है वो बेल्ट की विड्थ पर निर्भर करती है। तो जैसा कि हमने अभी बेल्ट की विड्थ कैलकुलेट की 112 mm, तो हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं पुली की विड्थ को। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने कास्ट आयरन पुली की डिज़ाइन की थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, यदि हमारी बेल्ट की विड्थ 150 mm तक है, तो हम पुली की विड्थ निकालने के लिए इस वैल्यू में 13 mm ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि हमें 112 mm हमें दे रखी बेल्ट की विड्थ जो 150 mm के अंदर अंदर आती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पुली की विड्थ निकालने के लिए 112 में जोड़ देंगे 13 mm को। तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा पुली की विड्थ कैपिटल बी का मान, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 125 mm। इसी प्रकार से हम पुली के रिम की थिकनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यदि पुली पर सिंगल बेल्ट माउंटेड है, तो हमारा थिकनेस टी का मान क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन 300 प्लस 2 mm। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद में, जैसा कि हमें डायमीटर कितना दे रखा है सवाल में, डायमीटर में दे रखा है 0.9 मीटर, तो ये होगा हमारा लगभग 900 mm के इक्वल। यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद में हमें थिकनेस का मान मिलेगा 5 mm। तो इस प्रकार से हमने पुली की विड्थ और थिकनेस दोनों यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं आर्म की डायमेंशंस को। तो आर्म की डायमेंशंस में हमें क्या निकालना है, हमें आर्म की मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मेजर एक्सेस होती है ट्वाइस ऑफ B1, माइनर एक्सेस की लगभग दुगनी। तो हम जानते हैं हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट और सेक्शनल मॉडुलस का रेशियो। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू अगर हमें हमारे पास में है, तो हम बेंडिंग मोमेंट और सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे निकाल सकते हैं माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस की वैल्यू।
तो क्योंकि हमें यहाँ पर पुली दे रखी है कास्ट रन की, तो ये हमें स्टूडेंट्स को नोट कर लेना चाहिए कि हमारा कास्ट आयरन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है हमारी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि सवाल में हमें दे नहीं रखी है बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू और हमारी कास्ट आयरन की पुली हमें मेंशन की हुई है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट का मान। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, 2t अपॉन n। तो टॉर्क ट्रांसमिशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, n का मान हमें दे रखा है, नंबर ऑफ आर्म्स हमें दे रखी है 6, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा 119333 न्यूटन mm। इसी प्रकार से z की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है a1 इज इक्वलन टू हमारा है ट्वाइस ऑफ b1 के, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो किसकी टर्म में आएगी, b1 की टर्म में, तो ये हमें मिलेगा 0.393 b1 का क्यूब। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू में हम पुट कर देते हैं, जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेस से भी शो करते हैं सिग्मा टी, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो हमें फाइनली b1 का मान मिलेगा 27.3। तो इसको हम लगभग मान लेते हैं 30 mm के इक्वलेंट। तो हमारा A1 क्या आएगा, A1 हमें मिलेगा 60 mm, यानी हमारी मेजर एक्सिस होगी 60 mm की और हमारी माइनर एक्सिस होगी 30 mm की। इसी क्रम में हम हमारी कास्ट आयरन पुली के डिजाइन के लास्ट पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा डायमेंशन ऑफ हब। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी डायमेंशन ऑफ हब के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1.5d प्लस 25 mm। यहाँ पर स्मॉल डी जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वो डी का मान हमारा होता है शाफ्ट का डायमीटर। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम यहाँ पर 25 mm को हम ऐड नहीं करें, तो हम हमारा मैक्सिमम हब का डायमीटर कितना ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डी के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5d प्लस 25 mm का फॉर्मूला यूज नहीं करके हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं हब की डायमीटर की, डायमेंशन की, तो ये होगा हमारा ट्वाइस ऑफ डी। तो हमें जैसे कि हमने अभी यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 35, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हब का डायमीटर मिलेगा 70 mm। इसी प्रकार से हम हब की लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी होगी पाई बाय 2 मल्टीप्लाई विद डी, तो ये हमें मिलेगी लगभग 55 mm। जैसे कि हम जानते हैं थ्योरी क्लासेस से कि हमारी जो हब की लेंथ होती है वो 2/3b से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 2/3b की वैल्यू जरा निकाल के कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमें कितनी मिलेगी, ये हमें लगभग मिल रही है ये 83.3। तो ये वैल्यू हमारी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हब की लेंथ जो है हमारी 83.3 से कम आ रही है यहाँ पर। तो हम कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, हम वैल्यू अडॉप्ट करेंगे मैक्सिमम वाली, ताकि हमारी डिज़ाइन जो हमने की है हमें सेफ मिल सके। तो हम 55 mm हब की लेंथ को कंसिडर नहीं करके हम यहाँ कंसिडर करेंगे 83.3 mm हब की लेंथ को। तो ये हमारा जो लेंथ है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड यहाँ पे वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगी फाइनली 85 mm। इस प्रकार से हमारी हब की डायमेंशन हमने देखी, हमने निकाला हब का डायमीटर और हब की लेंथ। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।